शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की कीमतों में नरमी है, इसके बावजूद भी घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। देखते हैं ये रिपोर्ट। आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी है। पिछले 12 दिनों में पेट्रोल जहां 6.53 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है, वहीं डीजल की कीमत भी 7.04 रुपए प्रति लीटर से बढ़ गई है। आज भी सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की है। शहर में पेट्रोल की कीमत 85.15 रुपए तो डीजल की कीमत 75.15 रुपए प्रति लीटर हो गई है। देश में लगातार 12वें दिन भी जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेलों के दाम जो है कम होने के बावजूद देश में जो है लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ते ही जा रही है। इसी पर हमने बात की है, जो ग्राहक रहते हैं किस तरह का सामना उन्हें करना पड़ रहा है लगातार जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही है। क्या बताओगे, लॉकडाउन था, व्यवसाय जो थे बंद थे, अब उसके बाद में अनलॉक होने के बाद पेट्रोल की कीमतें जो है लगातार बढ़ रही है, क्या असर जो है आप पर गिर रहा है या आपके आमदनी के ऊपर गिर रहा है, क्या बताओगे? वो ये कि पहले इंसान पेट्रोल भरता था 500 रुपए का, अभी 300 का भर रहा है। गाड़ी जब जरूरत है वहाँ चला रहा है, वहाँ नहीं तो फिर ऐसा काम रोक रहा है अपने। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से क्या बाकी खर्चे रोकना पड़ रहा है, ऐसा दिन सरकार सिर्फ अपने मन से चला रही है और बढ़ा रही है, बाकी नॉर्मल लोगों को तो ध्यान नहीं दे रही सरकार। पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, उससे बहुत फर्क पड़ रहा है। आए दिन जिस तरह से देश में पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, उससे नतीजन ही जो है सामान्य वर्ग जो है परेशान है पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से लगातार। और जिस तरह आज 12वां दिन है देश में जो लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई है, और आज का पेट्रोल का दर जो है 85.15 रुपए पर बढ़ चुका है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोपरागड़े के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, इंडीसीएन न्यूज़ नागपुर।